Subscribe to Mann Ki Sadhana and hit the bell icon for more updates. ये देखिए बालों में बांधने वाली डोरी कैसी लगी आपको, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, कलरफुल है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे भी बताइएगा कि आपको ये डोरी कैसी लगी। फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक वीडियो लेकर आई हूँ, नया वीडियो है, वो भी मैंने छोटे छोटे ऊन के टुकड़ों से बनाया है। मैं हूँ साधना, मेरे चैनल मन की साधना चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए कलरफुल मैंने फ्लावर बनाए हैं और ये बालों की डोरी है। फ्रेंड्स, ये आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम छोटे छोटे फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए मैंने ये छोटा सा पीस है, ये ऊन ली है और ये 4 नंबर का क्रोशिया। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर छोटे छोटे पीस जो बचते हैं ना उसका ही आइटम आपको बता रही हूँ, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरीके से, और इसमें डाल के ऐसे निकाल लेंगे इसको। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब इसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दो निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे, ये ट्रिपल क्रोशिया है। दो दो करके जो निकालते हैं 3 बार वो ट्रिपल क्रोशिया होता है। अब इसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे। अब 3 चेन लेंगे, और इसको इस मैजिक रिंग में जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से, ऐसे। इसके बाद में फिर 3 चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, इसके बाद में ट्रिपल क्रोशिया, दो दो करके निकालेंगे, फिर उसके बाद में डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, और यहाँ जॉइंट कर देंगे मैजिक रिंग में, ऐसे। इसके बाद में 1 बार और बनाएंगे, 3 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, और यहाँ सिंगल स्टिच से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। अब इसको मैजिक रिंग वाले धागे को खींच देंगे, ये देखिए छोटा सा ये फ्लावर बन गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें पहले 3 चेन है, फिर डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन। जैसे यहाँ से शुरुआत की है वैसे यहाँ से घटाना शुरू कर दिया है, ऐसे करके मैंने 3 पत्ती का फूल बनाया है। अब यहाँ पर 20 चेन बनाएंगे, अब इसको निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर बन गया और ये ऊन बच गई हमारी इतनी, बहुत छोटे छोटे पीसों का काम है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, जो ये ऊन बची है ये
मैजिक रिंग की जो ऊन है इसमें और इस चेन में गांठ लगा देंगे ऐसे करके, जिससे कि ये मैजिक रिंग वाला धागा खुलेगा भी नहीं और मजबूत भी हो जाएगा। ये देखिए एक बार और लगा देंगे ऐसे, और इसको इधर काट देंगे। इस धागे को भी क्रोशिया से अंदर कर देंगे। इस तरीके से इसको यहाँ काट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने ये बना रखे हैं, छोटी छोटी ऊन के पीस बचे हुए थे उसी के ये फ्लावर बना रखे हैं। ये देखिए अब फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, मोती लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, ये मैंने सुई धागा ले लिया है और इसमें पहले हम सुई को निकाल के इस नॉट को बीच में कर लेंगे ऐसे। अब इसमें एक मोती लगाएंगे, कोशिश ये करिएगा फ्रेंड्स ये नॉट दिखाई ना दे। फिर इसको एक बार और निकालेंगे, ये देखिए ऐसे ही इधर भी एक लगाएंगे, थोड़ा सा इस साइड निकाल लेते हैं सुई को। इसके होल के ऊपर लगाना है ऐसे। मजबूत कर दीजिएगा जिससे ये निकले ना। आप अपने तरीके से भी लगा सकते हैं, बस लगाना दोनों साइड है, आप कैसे भी लगा लीजिए। अब यहाँ पर नॉट लगा देंगे, दो बार लगाएंगे और इसको धागे को इस साइड निकाल के काट देंगे। बिल्कुल ऊन के साइड से ही काटिएगा, दिखाई ना दे। देखिए फ्रेंड्स ये देखिए इसी तरीके से ये बना हुआ है, ये सारे इसी तरीके से बने हुए हैं। इसको भी इसमें लगा देंगे। अब फ्रेंड्स इस तरीके का हमको एक कैप बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये ऊन ली है मैंने और जिससे फ्लावर बनाया था वही चार नंबर का क्रोशिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले नॉट लगाएंगे और चार चेन बनाएंगे और पहली वाली में इसको जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। अब फ्रेंड्स इसमें हम दो चेन बनाएंगे, दो चेन बनाने के बाद में सिंगल क्रोशिया, सात बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, एक दो। देखिए फ्रेंड्स सात बार मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है और ये दूसरी वाली चेन में एक और एक ये दो, एक दो, इसमें इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। फिर दो बार क्रोशिया चेन बनाएंगे, एक एक दो। फिर यहाँ पर
14 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक एक में ये चैन है और एक ये सिंगल क्रोशिया, दो हो गया ऐसे, इसमें एक दो, एक ये दो। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं पूरा राउंड करती हूँ। फ्रेंड्स ये मैं लास्ट में आ गई हूँ, अब इसको हम इस यहाँ पर जॉइंट कर देंगे, एक और एक ये दो स्लिप स्टिच से ऐसे। अब फ्रेंड्स हमको हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, पहले दो चेन बनाएंगे, फिर हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये चेन वाली होल को छोड़ देंगे, बाकी सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से फ्रेंड्स मेरे को इसमें 6 राउंड करने हैं। ये पूरा राउंड करके यहाँ दो चेन बनाई थी उसमें जॉइंट कर देंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यह पूरा राउंड करके फिर यहाँ दो चेन जो बनाएंगे उसमें जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और जॉइंट करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये कैप सा बन जाएगा। मैं इतना करने के बाद में आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये 7 राउंड किए हैं। पहला ये जो रिंग बनाई थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये लास्ट वाला 7। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, बस जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया एक चेन में दो दो बार बनाए थे तो वो 14 हो गए थे, तो ये यहाँ तक मैं 14 ही करके लेके आई हूँ। यहाँ तक नीचे तक 14 ही हैं। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब इसकी इस तरीके की फ्रिल बनाएंगे, ये इस तरीके की। इसके लिए क्या करेंगे, 5 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और जहाँ चेन है उसी होल में इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। फिर 5 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 इसकी साइड वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर 5 चेन, फिर इसके साइड वाली में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं अभी बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए लास्ट में हूँ मैं, अब यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें एक और चेन लेके नॉट लगा देंगे और इसको काट देंगे। और इसको उल्टा करके इस धागे को क्रोशिया से अंदर कर देंगे। देखिए ये अंदर कर दिया। अब मैं इसको सीधा कर लेंगे। अब मैं आपको आगे का बताती हूँ क्या करना है। फ्रेंड्स जो मैंने ये फ्लावर बनाए थे इनके सबके धागों को एक सा करके पकड़ना है इस तरीके से, बिल्कुल ऊंचे नीचे ना हो। अगर एक आध हो भी जाता है कोई बात नहीं है, इस तरीके से बिल्कुल एक सा पकड़ना है। ऐसे पकड़ने के बाद में इस टोपी को हम उल्टा करेंगे और जो इसका ये धागा है इसको भी इसमें पकड़ लेंगे ऐसे साथ में, और इसमें ऐसे अंटे लगा लेंगे इस तरीके से। अंटे लगाने के बाद में इसमें लगाएंगे नॉट ऐसे करके,
अगर हम अंटे नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स तो ये ऊन इधर उधर चली जाएगी। आप क्रोशिया से इन सारे धागों को खींच लेंगे इस तरीके से। टाइट कर देंगे, ये देखिए। और चाहें तो इनको आधा आधा करके भी एक नॉट लगा दीजिएगा ऐसे ऐसे। अब इनको हम काट देंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे टोपी को, ये देखिए फ्रेंड्स लटकन बन गई है। फ्रेंड्स कुछ ऊन सिकुड़ रही है इस चक्कर में, ये ऊंचे नीचे हो रहे हैं। नहीं वैसे कोशिश यही की है कि बराबर हो, अगर हो भी जाए तो कोई बात नहीं है। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने बना के रखा हुआ है एक। इसकी भी फ्रेंड्स ऊन नॉट तो लगा दिया, अब इसमें भी हाफ हाफ करके एक और नॉट लगा देते हैं। ऐसे इसको अब हम काट देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने गांठ लगाकर अच्छे से गांठ लगा दिए और इसके धागों को काट दिया है और इसको मैंने पलट दिया है ऐसे, ये देखिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 9 नंबर का क्रोशिया लिया है और ये मैंने डबल ऊन लिया है। अब इसकी हमें डोरी बनानी है, मैंने काफ़ी लंबी ले ली है। अब डोरी कैसे बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। जो उंगली पे हम ऊन लपेटेंगे वो थोड़ी ज़्यादा लेनी है क्योंकि ये वाली ऊन ज़्यादा लगती है। और डोरी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितनी लंबी छोटी बनानी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रोशिया को इसके अंदर डालेंगे और कोशिश करिएगा कि जो नॉट लगी है ना उसमें से निकालें। निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप ऊपर से भी ले सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे हम इस तरीके से इस ऊन को निकालेंगे। निकल आई। अब हम क्या करेंगे, ये वाली ऊपर, ये वाला धागा ऊपर लपेट रहे हैं क्योंकि ये ऊन ज़्यादा है और ये वाला नीचे। अब कैसे करेंगे, ये ऊपर लपेट लिया और इसको इस उंगली के बीच में दबा लेंगे ऐसे। अब इसको ऐसे फंदा इस तरीके से पीछे से लेके लाना है घुमा के और इससे ऐसे करके डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया नहीं, सिंगल चेन बनानी है, सॉरी। फिर इसको फिर लपेटेंगे, फिर इसको फिर ऐसे निकालेंगे, फिर लपेटेंगे इसको, फिर ऐसे निकालेंगे इसको, लपेटेंगे फिर ऐसे निकालेंगे। फ्रेंड्स इसी तरीके से नीचे वाले धागे ऊन को लपेटते जाएंगे ऐसे और ऊपर वाले में से चेन बनाते जाएंगे ऐसे। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं अभी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जितनी बड़ी मुझे चाहिए होगी उतनी बड़ी करके मैं अभी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मेरी डोरी बन गई थी और मैंने ये जॉइंट कर दी है और बाकी का धागा इसमें नीचे खींच दिया है। ये देखिए ये मैंने यहाँ से निकाल के क्रोशिया से और नीचे खींच दिया, बचे हुए धागे को मैंने काट दिया है। ज़्यादा छोटा नहीं किया है फ्रेंड्स, निकलना नहीं चाहिए,
और ये देखिए मेरी अब डोरी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बस दो अंटे लग जाएंगे बालों में। ऐसी ही मुझे डोरी चाहिए थी। अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो बड़ी बना लीजिएगा, और अगर ये आप ये फ्लावर और ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो और ज़्यादा लगा लीजिएगा। ये मैंने डबल ऊन की डोरी बनाई है, अगर आप चाहें तो सिंगल ऊन की भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी चीज़ है। फ्रेंड्स छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया है, ये ऊन के जो टुकड़े बच जाते हैं उसकी मैंने ये एक्सेसरीज बनाई है। मैं फ्रेंड्स आपको ज़्यादातर छोटे छोटे ऊन के टुकड़ों की ही चीज़ें बता रही हूँ इस टाइम, क्योंकि वो बच जाते हैं तो फिर वेस्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा। मैं आजकल हर रोज़ एक वीडियो डाल रही हूँ, आप उसको देखिएगा ज़रूर और सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो जो भी आने वाली होगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। फ्रेंड्स आप इसको बनाइएगा ज़रूर, फिर मुझे बताइएगा कि आपकी ये डोरी कैसी बनी। राधे राधे।